आज का टॉपिक है SCF एंड LCM निकालना इजी वे में, कैसे आप निकाल सकते हो। तो SCF के लिए आप ये याद कर लीजिए, एक छोटा सा रूल है जो आपको SCF और LCM के लिए याद कर लेना चाहिए। SCF मीन्स कॉमन एंड मिनिमम, इसका क्या मतलब है? कॉमन फैक्टर एंड मिनिमम फैक्टर। LCM का मतलब है ऑल फैक्टर एंड मैक्सिमम फैक्टर। तो SCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि उसका क्या मतलब होता है। एक होता है आपका प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए नंबर है 2, 3, तो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड। तो 2 नंबर जो है वो खुद से डिवाइड होता है, जैसे 2/1 करोगे और 2/2, तो ये खुद से डिवाइड हो रहा है 2/2, 2 1 जा 2, और 1 से डिवाइड हो रहा है 1 2 जा 2, तो ये इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 1 से चूँकि ये डिवाइड हो रहा है, और 2। इसी तरह से 3 नंबर, 3 को आप 1 से डिवाइड करोगे और 3 सिर्फ और सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, तो इसलिए इसके भी दो फैक्टर हैं 1 एंड 3। तो वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो इसलिए प्राइम नंबर, ये दोनों आपके प्राइम नंबर है 2 एंड 3। तो प्राइम नंबर की हम लिस्ट लिख सकते हैं इस तरह से, प्राइम नंबर कौन से हुए? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब वो नंबर हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से। 17, 19 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे होते हैं, बट मैक्स अगर आप ये याद कर लोगे तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है कि जो वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे कि नंबर 4। अब ये किससे किससे डिवाइड होगा? 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 4 जा 4, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, और 4 आपका 4 से भी डिवाइड होगा, 4 1 जा 4। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 एंड 4, इसके 3 फैक्टर, ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर। इन अ सिमिलर वे 6 1 से 2 से 3 से और 6, ये 4 नंबरों से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो अब आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ गए। इसके बाद आप SCF और LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। तो हम इसको SCF और LCM निकालने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमें SCF और LCM निकालना है 28 एंड 30 का। SCF एंड LCM ऑफ नंबर 28 एंड 30। तो अब इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमने 28 लिखा और इस तरह से लाइनें खींचते हुए हम इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? प्राइम नंबर। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। अगेन आपका ये नंबर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14। अगेन ये आपका 2 से डिवाइड, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है 7, तो ये आप 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। इन अ सिमिलर वे आप 30 का भी निकाल लीजिए। 30 भी आपको 2 से डिवाइड होगा, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 15 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 एक प्राइम नंबर है। अब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप SCF निकालेंगे। तो SCF निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसको हम लिख लेते हैं। 2 × 2 × 7, ये हमने उतार लिया कि ये 3 इसके हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। इसी तरह से ये 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये हमने इसको प्राइम नंबर्स के रूप में लिख दिया।
अब इसका हम सबसे पहले SCF निकालेंगे। तो SCF निकालने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि आप याद कर लीजिए, कॉमन एंड मिनिमम, कॉमन फैक्टर एंड मिनिमम फैक्टर, ये मैंने आपको रूल बताया था कॉमन एंड मिनिमम। तो इसका मतलब है आपको कॉमन फैक्टर्स उतारने और उनका मिनिमम उतारना है। जैसे इस नंबर में आपका 2 कितनी बार है, 2 बार आपने ऊपर लिख दिया, 2 बार है ये। 7 कितनी बार है, 1 बार। इस वाले में 2 एक बार, 3 एक बार और 5 भी एक बार। अब आपको कहा जा रहा है SCF निकालना है, तो आपको कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, कॉमन का मतलब है जो दोनों में है। तो इन अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, लेकिन इसमें 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो दोनों में है, तो हम वही उतारेंगे सिर्फ SCF में, कॉमन फैक्टर और उसका भी मिनिमम। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक बार उतारेंगे 2। अब तो SCF हो गया, इन दोनों नंबर का SCF हो गया 2। LCM क्या होगा, LCM आपका मैंने रूल बताया था ऑल एंड मैक्सिमम। तो ऑल फैक्टर एंड मैक्सिमम, ऑल फैक्टर मतलब हर टाइप के फैक्टर। तो इसमें कितने टाइप के फैक्टर है, 2 है, 3 है, 5 और 7 है, ये सब उतारोगे आप, 2 × 3 × 5 × 7। अब ऑल फैक्टर्स आपने उतार लिया, अब ऑल एंड मैक्सिमम यानी 2 का जो मैक्सिमम है, जिसमें मैक्सिमम है, ऊपर वाले में मैक्सिमम है तो वो उतारो, नीचे वाले में है तो वो उतारो, ये नहीं कि सारा उतारोगे आप, सिर्फ कोई एक। अब यहाँ पे 2 एक बार है और 2 यहाँ पे 2 बार है, तो आप 2 बार वाला उतारोगे सिर्फ, इसको नहीं उतारोगे, ओके। दोनों में से चॉइस करना है आपको, जो ज़्यादा वो उतारना है LCM में। अब 3 कितनी बार है, इसमें एक बार भी नहीं है यानी 0 बार, और इसमें एक बार है तो एक बार उतरेगा। 5 कितनी बार, इसमें है ही नहीं, इसमें एक बार है तो एक ही बार उतरेगा। 7 नीचे वाले में 7 नहीं है, ऊपर वाले में 7 है तो 7 भी एक बार। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, चूँकि 2 2 बार है तो इसलिए 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब इसमें भी 2 × 2 = 4। आप इसको इजी वे में कर सकते हो, कैलकुलेशन भी इजी वे में कैसे कर सकते हो, जैसे ये 2 × 2 = 4 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 20, और 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो तो 20 × 21 आ गया आपका। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 42, और ये 0, तो ये आंसर आ गया आपका LCM 420। तो इस तरह से SCF और LCM निकालने के लिए आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, प्राइम नंबर की पहचान है, तो बस आप ये रूल याद रखिए, कॉमन एंड SCF मतलब कॉमन एंड मिनिमम, LCM मतलब ऑल एंड मैक्सिमम, तो आप आसानी से SCF और LCM निकाल सकते हो।